स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो है सो रिलीजियस जो है सो कलेम जो होते थे, वंश लोग होते थे, जिसमें मैंने राजपूत के बारे में पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं पाला, है ना। पाला भी एक जो है उस समय जो है एक वंश कलेम चला था, जैसे द पाला वेयर एन इम्पोर्टेंट एंड पावरटिंग डेंसिटी इन ईस्टर्न इंडिया। पाला जो है वह ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल जो है डेंसिटी वंश माना जाता था। द पाला किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला। गोपाला नेम के एक आदमी थे, उन्होंने पाला डेंसिटी की स्थापना की थी। हु बिलीव टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो होते थे वह आदमी के द्वारा चयन करके, आदमी के द्वारा चुनकर और राजा बनाया जाता था। हिज सन धर्म पाला कंक्वर्ड कन्नौज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। धर्म पाला किसका बेटा था? गोपाल का, है ना। गोपाला का बेटा धर्मपाला, उन्होंने क्या किया, कन्नौज को कुछ दिनों के लिए, कुछ पीरियड के लिए जीत लिया, वहाँ पे अपना कब्जा अधिकार कर लिया। द पालाज किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। अभी के समय में जो बिहार और बंगाल है उसके कई सारे इलाके में पाला नाम का ये जो है वहाँ पे पाला डेंसिटी ने अपना राज कर रखा था, है ना। देवपाला, ये देवपाला ये कौन है? गोपाला के ग्रैंडसन, उसके पोता है। एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम इंक्लूड असम उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ निकाल। उसके जो पोता है ना, ये जिसका नाम देवपाला है, उन्होंने बिहार, उन्होंने असम, उड़ीसा और नेपाल के कुछ पार्ट पे अपना अधिकार कर लिया, अपना साम्राज्य की स्थापना कर ली। द पालाज वेयर पेट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म। पाला को जो है बुद्धिज्म का रक्षक माना जाता है, उन्होंने बुद्ध धर्म की रक्षा की। कौन रक्षा किया? पाला लोग रक्षा किया। The famous है ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द धर्मपाला। एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाला ने उसकी स्थापना की थी। ये आपको जो है सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो खंडर बन गया ना, उसका फोटो दिया हुआ है, देख सकते हैं कि ये जो मेन गेट हुआ करता होगा उस जमाने में, और यह अब खंडर बन गया है, यहाँ पे खंडर जो है सो हो गया है, ठीक है। तो अब पढ़े पाला डेंसिटी के बारे में। अब बात करते हैं गुर्जरा प्रतिहरास। गुर्जरा प्रतिहरास, द गुर्जरा प्रतिहरास रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट ऑफ द अपर गंगा टेरिटरी। गुर्जरा प्रतिहरास जो है उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना जो है सुशासन चलाया, और वेस्टर्न इंडिया के साथ साथ अपर गंगेटिक वैली, है ना, गंगेटिक वैली के ऊपरी भाग में भी उन्होंने अपना शासन चलाया। द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज हरिश्चंद। गुर्जरा प्रतिहरास के जो फाउंडर है किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। द गुर्जरा प्रतिहरास रूलर्स रोज टू पावर बिकॉज दे डिफेंड द नॉर्थन बाउंड्रीज फॉर इन्वेंशन। 1712 से 1000 ईस्वी तक जो इन्वेंशन हुआ, जो युद्ध हुआ, है ना, उस इन्वेंशन में उन्होंने क्या किया, इस सब जगह पे जो हम आपको बताए हैं नॉर्थन, है ना, उत्तरी भाग पे उन्होंने अपना अधिकार और कब्जा कर लिया। द गुर्जरा प्रतिहरास गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागाभट्टा फर्स्ट। नागाभट्टा प्रथम के समय उन्होंने क्या हुआ, अपने आप को बहुत प्रमुखता जो है सो दिखाया, वो प्रमुख माने प्रमुख माना जाता था। गुर्जरा प्रतिहस्त के डेंसिटी का प्रमुख, है ना, जो है सो माना जाता था। किस समय? नागाभट्टा के टाइम। हु कंक्वर्ड मालवा एंड बरुच, जिन्होंने मालवा और बरुच को जीत लिया। मिहिर भोजा, ये भी एक उस डेंसिटी का राजा गुजरा है, जिन्होंने 1836 से 1890 ईस्वी तक राजा बन के रहा। वाज द मोस्ट फेमस ऑफ गुर्जरा प्रतिहस्त रूलर्स। गुर्जरा प्रतिहस्त शासक में से बहुत ही फेमस शासक है मिहिर भोजा। ही कैप्चर्ड कन्नौज, उन्होंने कन्नौज पर अपना कैप्चर कर लिया। एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उसे अपने जो है सो साम्राज्य का राजधानी भी बना दिया। ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू पार्ट ऑफ पंजाब। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के कुछ भाग में भी अपना जो है सो क्या किया, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर दिया, अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया, विस्तार कर लिया। कहाँ कहाँ? पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात, समझे। हिज सन महेंद्र पाला हेल्प, किसके बेटा ना, ये उसके जो बेटा थे महेंद्र पाला, समझे ना।
हिज सन महेंद्र पाला हेल्प इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर फर्दर बाय कंक्वरिंग मगध एंड नॉर्थ बंगाल, और उसके बेटा महेंद्र पाल जो है वह मगध और नॉर्थ बंगाल को जीतकर अपना साम्राज्य की ओर विस्तार कर लिया। द गुर्जर प्रतिहस डिक्लाइन इन द 10th सेंचुरी विद द इन्वेंशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। लेकिन गुर्जर प्रतिहस कब खत्म हो गया, जब महमूद गजनवी ने अपना साम्राज्य शुरू कर दिया तब उसका जो है डेंसिटी, उसकी साम्राज्य समाप्त हो गई लगभग कितने सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। तो इस तरह आपने पढ़े गुर्जर प्रतिहस्त। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटा। चलिए राष्ट्रकूटा के बारे में जानते हैं। द राष्ट्रकूटा वेयर अ पावरफुल डेंसिटी ऑफ द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन का यह बहुत ही शक्तिशाली जो है सो वंश माना जाता है। कौन? राष्ट्रकूटा। दे वेयर समांतर्स ऑफ द चुलुकिया, है ना, वे किसके है ना समानता थे। समानता मतलब पहले बता दिए कि किसी राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी, अपना जो है सो कह सकते हो ना चेला चपाटी बना के भेजा हो। किसका हुआ था समानता? चलुकिया का। एज द चलुकिया किंगडम डिस्क्लाइम, जब चलुकिया का किंगडम खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो दांती दुर्गा जो है ना राष्ट्रकूटा किंगडम का फाउंडर उसे माना जाता है। किसको? आपको क्वेश्चन करेगा कि फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? दांती दुर्गा। डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ओवरथ्रोइंग हिज चालुक्या ओवरलॉर्ड। उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, है ना, जो है सो स्वतंत्र घोषित कर दिया। ही चालुक्या ओवरलॉर्ड, पहले जो है ना चालुक्या जो है उस पर अपना कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब वह उसकी डेंसिटी खत्म हो गई तो है ना ये जो है दांती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा के जो है सो फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को जो है सो ये फ्री इंडिपेंडेंस घोषित किया। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल सेरेमनी, उन्होंने एक रिचुअल सेरेमनी, एक जो है रीति रिवाज का समारोह मनाया, जिसे हिरण्यगर्भा कहा जाता है, जिसका मतलब हो जाता है गोल्डन बॉब। गर्भ मतलब आप लोग जानते होंगे जे माँ के पेट में जिसमें बच्चे बनते हैं उसे गर्भ कहा जाता है। तो हित जिसका मतलब ये जो है ना हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब ये होता है गोल्डन वोम, है ना स्वर्ण गर्भ, उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। इस नाम का उन्होंने एक रिचुअल सेरेमनी बनाया जब जो है चालुक्या जो है चालुक्या की डेंसिटी समाप्त हो गई तब। इट वॉज सपो है ना सपोज टू लेट टू बी द रिबर्थ ऑफ परफॉर्मर क्षत्रिय। उन्होंने ऐसा नाम इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने ये उनका ये मानना था कि जब इसके समाप्त हो जाने के बाद, चालुक्या की डेंसिटी समाप्त हो जाने के बाद, क्षत्रिय लोग को फिर से जो है सुशासक बनने का मौका मिल गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्षत्रिय लोग का पुनर्जन्म हो गया। इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ गोविंदा थर्ड, है ना, इसके अलावा अगर ये लोग बर्थ नहीं होते, ये लोग इन लोग की पैदाश नहीं होती, किन लोगों की, जैसे है गोविंदा थर्ड, गोविंदा तृतीय जिन्होंने 793 से 814 ईस्वी तक शासक किया, है ना अमोघा वर्षा जिन्होंने 814 से 878 तक शासन किया, कृष्णा तृतीय उन्होंने 934 से 963 तक शासन किया, आर सम ऑफ वेल नोन है ना राष्ट्रकूटा रूलर्स, ये सब बहुत ही अच्छे जाने पहचाने राष्ट्रकूटा रूलर माने जाते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ राष्ट्रकूटा फाउट एगेंस्ट द पाला एंड गुर्जर प्रतिहस्त ओवर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। उत्तरी साइड में राष्ट्रकूटा जो है उन्होंने पाला से युद्ध किया, लड़ाई किया और जो है कन्नौज पर अपना कंट्रोल अपना कब्जा कर लिया। एंड इन द साउथ दे केम इनटू टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विद पल्लव ऑफ कांचीपुरम, और साथ में भी उन्होंने कांचीपुरम के जो पल्लव जो शासन किया था उसको भी जीत कर अपना साम्राज्य की स्थापना कर लिया। द राष्ट्रकूटा इनकोरेज द ग्रोथ ऑफ कन्नर, राष्ट्रकूट लोग जो है उन्होंने क्या हुआ था, कन्नर को, कन्नर भाषा है जो केरल का भाषा है, उन्होंने उसकी है ना ग्रोथ किया, उसको जो है ना आगे बढ़ाया, उसका विकास किया, डेवलप किया, है ना, जबकि एमोघ वर्षा वाज द पोएट, ये जो हम अभी पढ़े हैं आज, है ना, एमोघ वर्षा उन्होंने 814 से 878 ईस्वी तक वहाँ अपना शासन कार्य किया। वह एक पोएट थे और वह पोएट्री भी लिखते थे, किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। द कैलासनाथन टेम्पल एट एलोरा, एलोरा एलोरा का गुफा बहुत फेमस है जो महाराष्ट्र में है, है ना, कैलासनाथा टेम्पल एलोरा एंड द एलिफेंटा केव नियर मुंबई, एलिफेंटा केव नियर, ये सब जो है राष्ट्र, है ना, राष्ट्रकूटा लोग ने ही इन
सबको कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, समझे। तो आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो इमेज है वह कालीसनाथा टेम्पल का है, एलोरा नाम के जगह पर यह टेम्पल है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इस वीडियो तक में मैंने आप लोग को राजपूत, पाला, गुर्जरा, राष्ट्रकूता चार डेंसिटी के बारे में पढ़ाया। अब अगले वीडियो में हम दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।